आज आमार कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से हमको क्या सीखेंगे? अश्वत्थामा पैदा हुआ है ताड़े से, उनका एक अच्छा ताड़े मास्टर है। अभी अश्वत्थामा ध्यान कर रहे हैं हिमालय में, ईश्वर से बात करने का क्षमता भी है अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी अभी भी जीवित है हिमालय में। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाभारत, महाभारत से क्या सीखना है? आज इस सेशन में हम जानकारी करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। आज इस सेशन को शुरू करने के पहले हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापात्री जी, श्री कृष्ण परमात्मा और व्यास महर्षि को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हर एक एपिसोड में हम महाभारत से क्या सीखना चाहिए, हर एक कैरेक्टर से क्या सीखना चाहिए, हम जानकारी कर रहे हैं। आज हमारा कैरेक्टर है अश्वत्थामा। आप सोचेंगे कि अश्वत्थामा से हमको क्या सीखेंगे? अश्वत्थामा तो एक विलन है, सभी बच्चे को काट डाला है, उससे क्या सीखना है सोचेंगे। मास्टर्स, हर एक कैरेक्टर में एक पॉजिटिव एंगल होती है, एक नेगेटिव एंगल होते हैं। जिसको हम हीरो सोचेंगे उसमें भी नेगेटिव शेड्स होते हैं, जिसको हम विलन सोचेंगे उनमें भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं। तो अश्वत्थामा से हम क्या सीखें? हम देखेंगे तो अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है, अभी भी जीवित है हिमालय में। बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। आप तपस्वी महाराज का जीवन के बारे में वो जो किताब पढ़े हैं तो उसमें तपस्वी जी महाराज, वो किताब में बताया है कि वो खुद अश्वत्थामा से मिले हैं। और पायलट बाबा का लाइफ स्टोरी भी पढ़ेंगे तो पायलट बाबा भी बताया है कि वो खुद अश्वत्थामा से मिले हैं। इस तरह के बहुत सारा लोगों ने बताया कि अश्वत्थामा को सजीव रूप में वो लोग देखा है। तो अश्वत्थामा को अमरत्व, ये चिरंजीवित्व कैसे मिला है, इनको क्या शाप मिला था, उन्होंने क्या किया था, उस स्थिति में कैसे आया है वो, इसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य कृपा से पैदा हुआ एकमात्र संतान है। अश्वत्थामा जो बचपन में था उनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, क्योंकि बहुत गरीब ही था गुरु द्रोणाचार्य का। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिर्फ जो चावल का जो आटा होती है उसी को दूध बताते हुए उनको बच्चे को पिलाया, उसी गरीबी में साथ रहे। उसके बाद फिर गुरु द्रोणाचार्य फिर कौरव राज्य में जा गया है, उनको गुरु का पद मिला है भीष्म पितामह के द्वारा। फिर बाद में वो बिजी हो गया, गुरु द्रोणाचार्य अपना सभी पांडव और कौरवों को विद्या देते रहा और कभी भी वो अपना बेटा क्या कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हमेशा वो इंटरेस्ट दिखाते था अर्जुन पर, अर्जुन देखो कितना योद्धा है, कितना अच्छा बाण चलाते हैं, इतना क्या करते हैं, इस तरह बोलते थे। अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगता था। और जब पेरेंट्स हमको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तब क्या होते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि किसी और कोई बंदा उनको ध्यान देंगे तो उनके पास चले जाते हैं। अभी इधर भी क्या हुआ था कि अश्वत्थामा को पर इंटरेस्ट दिखाया था दुर्योधन ने, दुर्योधन ने अपना अपना साइड में खींच लिया अश्वत्थामा को। उनको राजभोग दिखाना, उनको राजा का जीवन कैसे होना, उस तरह का अपना पास लेके जाके सुख का जीवन को आदत करवाया। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी द्रोणाचार्य कभी कुछ नहीं बोला और हमेशा कंपैरिजन करते, देखो वो के दो के कैसे है, ये कैसे है, और अपना जो स्पेस है, अपना जो टाइम है वो देते नहीं है अश्वत्थामा को।
जब वो दिया है, दिया नहीं था अश्वत्थामा, फिर क्या होते, अपना बात शेयर करना चाहिए। अगर माता पिता से शेयर नहीं कर सकते तो किसको शेयर कर सकते हैं। आजकल देखेंगे तो पेरेंट्स से अपना समय है बच्चे को दे नहीं पा रहे, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, वो जब उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करता रहेगा, जब बड़े होने के बाद हम कहेंगे कि तुम उस समय आके क्यों नहीं बताया, तुम उस समय का स्पेस नहीं दिया बच्चे को, इसलिए वो शेयर नहीं कर पाते आपको। हम कितना भी बिजी रहे, हम अपना बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए, उनको धर्म क्या है धर्म के बारे में बताना चाहिए। द्रोणाचार्य को यही चीज़ बताते श्री कृष्ण ने फाइनल में, आप अपना बच्चे को क्यों गरीबी को आदत नहीं करवाया, उनको राजभोग तक क्यों लेके गया, उनके राजा के जीवन को जब वो आदत हो रहा था उसको क्यों रोके नहीं आप, अपना समय में रहे, अपना समय दिया नहीं है अपने बच्चे को, धर्म और अधर्म के बारे में बताया नहीं है, न्याय अन्याय के बारे बीच में डिफरेंस नहीं बताया। इसी को जैसे तुम्हारा बच्चा है वो दुर्योधन के पक्ष में चला गया और अधर्म के साथ रहे हैं, बड़े होने के बाद वो ऐसा किया है बताएंगे तो क्या फायदा है, बचपन में बताना चाहिए। तो हम भी हमारे बच्चे को हमेशा धर्म और अधर्म के बारे में बताना चाहिए। रात को सोने के टाइम में हमारे साथ जब सोएंगे बच्चे उस समय रात के टाइम में यही कहानी बताना चाहिए, महाभारत का कहानी, रामायण का कहानी, न्यू एज बुक्स का कहानी, ये बताएंगे तो बच्चे उस ज्ञान के साथ बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे फिर बच्चे बाद में कहाँ जाएंगे, कैसे टर्नअप होंगे किसी को पता नहीं है। अश्वत्थामा भी ऐसे बिगड़ गए, दुर्योधन जो कहेंगे वही करने के लिए तैयार रहेगा, दुर्योधन को अपना जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र कर रहा था उस समय द्रोणाचार्य उसको उठ के बाहर जा रहा था, उस समय अश्वत्थामा क्या कहते हैं कि हे दुर्योधन मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, मुझको बाजू में रखो पहले, इस तरह की स्थिति था उनको, क्योंकि दुर्योधन के लिए अपना पूरा जान देने के लिए तैयार था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को बांध के लेके आते हैं, अर्जुन को पता है कि द्रौपदी को बांध के लेके आओ, जब बांध के लेके आते हैं द्रौपदी साम्राज्य पूरा इनके पास आते हैं, द्रौपदी का राज्य, उसमें से आधा राज्य है वो खुद लेके उनको छोड़ देते हैं, वो तो आधा राज्य का जो राजा है अश्वत्थामा को बनाते हैं। अश्वत्थामा पैदा हुआ है ताड़े से, उनका एक अच्छा ताड़े मास्टर है, वो ब्रह्मज्ञानी एक ब्रह्मर्षि बनने के लिए आया है धरती में, उस व्यक्ति को इतना अच्छा तपस्शक्ति वाले बंदे को आपने क्या किया, राजा तरफ लेके गया। ये काम के लिए तुम पैदा हुआ है और दूसरा काम में चला गया तो क्या होगा, यही तो हुआ अश्वत्थामा के साथ। अभी अश्वत्थामा ध्यान कर रहे हिमालय में, ईश्वर को दर्शन करने का, ईश्वर से बात करने का क्षमता भी है अश्वत्थामा के पास, लेकिन वो राजा बन गया और अधर्म के साथ चला गया। जब एक दिन अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि हमारा कुरु राज्य नाश हुआ है शकुनी का प्लान के वजह से, शकुनी ही तरह 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 प्लान करके इस तरह हमारा नाश कर दिया, तब शकुनी को पकड़ने के लिए भी चले जाते हैं। दुर्योधन को बताते हैं कि ये शकुनी मामा को तुम भरोसा किया है, उन्होंने देखो कैसे किया है, हम उसको सैनिक दे दो, मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं उसको बांध के लेके आऊंगा। फिर जाते हैं गांधार राज्य में, शकुनी से लड़ाई करते हैं, जितना सैनिक जाते हैं उससे सबको मौत होते हैं और फाइनल में उसको खुद का भी घायल होते हैं शरीर में, फिर भी वो शकुनी को बांध के लेके आते हैं। शकुनी उस समय बोलते हैं मैं सभी प्लान्स क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ इसलिए सब कुछ किया हूँ। लेकिन जब शकुनी को लेके आते हैं दुर्योधन के सामने, उस समय कहते हैं कि क्या दुर्योधन तुम मुझको भी शक करते हैं, तुम्हारा मामा हूँ मैं, तुम्हारा भला के लिए मैं सब कुछ किया हूँ कहते हैं। तब शकुनी कहते हैं कि मेरा पास जो मनी है ये मनी आपको दे रहा हूँ, वो मनी देते हैं। वो मनी किसको देना है फिर, मनी देगा तो कर्ण को देना है, लेकिन कर्ण क्या करेगा लेके, एकलव्य को दे सकते हैं, वो क्या करेगा फिर भी, इसलिए वो अश्वत्थामा को देते हैं। जब पूरा कुरुक्षेत्र होने के बाद जब दुर्योधन नीचे गिर पड़ते हैं, उनके झांगे दोनों को तोड़ देते हैं भीम ने, और मरने का दशा में थे, तब अश्वत्थामा जाके रोते हैं बहुत,
उनको दोस्त को देख के। दोस्ती है तो देख सकते हैं तो अश्वत्थामा और दुर्योधन का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्ण और दुर्योधन कहते हैं, हाँ कर्ण का भी दोस्ती है, लेकिन कर्ण क्यों दुर्योधन का साथ रहे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड है। जिस समय वो गरीबी में था, सब लोग उनको अपमान कर रहा था, उस समय उनको राजा बनाया, अंगराज्य का राजा बनाया, उस ग्रैटिट्यूड के साथ वो रहे हैं। लेकिन इधर अश्वत्थामा को देखेंगे तो अश्वत्थामा अपना दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब दुर्योधन को देखते हैं फिर दुर्योधन पूछते हैं आपका क्या आखिरी इच्छा है, दुर्योधन कहते हैं कि मेरा एक ही इच्छा है कि पांडव सबका नाश होना चाहिए, पांडव सब लोग मरना चाहिए। तब वो प्रॉमिस करते हैं, यस मैं पांडव को मार के आऊंगा। खैर सब कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, सिर्फ तीन लोग ही बचा है। फिर उस समय सेनाधिपति के रूप में अश्वत्थामा को बनाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य और एक है, वो तीनों मिलके फिर जाते हैं पांडव को मारने के लिए। फिर वो जब वो लोग जंगल में जाते हैं तब अश्वत्थामा सोचते रहते हैं कि मैं पांडव को कैसे मैं जीत सकता हूँ, मैं अभी अकेला हूँ कैसे मार सकता हूँ, इस तरह बैठ कर सोचते रहते हैं। उस समय ये प्रकृति इस यूनिवर्स ने उसको एक आइडिया देती है। देखिए प्रकृति ने उसका आइडिया क्यों दिया है, क्योंकि कार्य कारण कार्य संबंध है। जब वो देखते रहते पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक कौवा का एक नेस्ट है, उसमें उल्लू आके उस कौवा का जो सभी कौवा को मार मार के उनका जो जितना भी अंडा है उसको तोड़ देती है, उसको मार देती है। उसको देख के आइडिया आते हैं, अच्छा रात के समय में जब सब सो जाएंगे तब जाके मैं लड़ाई कर सकता हूँ। दिन में क्या कौवा क्या करते हैं कि उल्लू के पीछे पड़ जाती है, उल्लू को मारती है, और रात के समय उल्लू क्या करती है कौवा का घर में जाके उसको घुस के उसको मारती है। यही उसको प्लान पता चल जाता है। ये प्लान कौन दिया है, वो यूनिवर्स ने दिया है। क्यों दिया है इसका भी कारण कार्य संबंध होते हैं, क्योंकि जो उप पांडव है वो उप पांडव को अल्प उनका बहुत कम समय की उम्र है, इसी की वजह से ये सृष्टि का रचना है, ये कर्म चक्र है, तो कम उम्र से आया है, उसको कोई ना कोई मारना है, तो आइडिया उसको मिला है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा बदला लेना चाहते हैं इसलिए उसको आइडिया मिला है। फिर उस शक्ति के लिए फिर वो तपस्या करते हैं, फिर उसको हमें शिवजी प्रत्यक्ष होते हैं। शिवजी को पूछते हैं कि मुझको अभी आपका शक्ति दे दो, मैं मारना चाहता हूँ। शिवजी भी आशीर्वाद दे के जाते हैं। शिवजी भी आशीर्वाद क्यों दिया है, गलत काम है अधर्म का काम है तो शिवजी क्यों दिया है, क्योंकि अच्छा बुरा ये दोनों क्या है कि धरती का एक द्वंद्व है, लेकिन शिवजी का नज़र में देखेंगे तो सब कुछ सही है। इधर अच्छा बुरा ये नहीं होते हैं, ये हमारा ह्यूमन परसेप्शन है, ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि हम पर्दे के पीछे देख नहीं सकते हैं। शिवजी का काम क्या है कि जो भी तपस्या करते हैं उनको वरदान दे के जाना है, वो अच्छा मांगे बुरा मांगे कोई भी मांगे कि मेरा सर किसी के ऊपर मैं रखूंगा तो भस्म हो जाएगा, कुछ भी मांगे फिर भी तथास्तु कह के जाना है, क्योंकि आपने साधना किया तो देना पड़ेगा। फिर अश्वत्थामा जाते हैं पांडव के शिविर में। श्री कृष्ण को पता है कि अश्वत्थामा आएंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया सभी पांडवों को लेकर और दूसरा जगह पर चले जाते। श्री कृष्ण ने पांडव को बचाया लेकिन उनका बेटे को नहीं बचाया, देखिए क्योंकि कारण कार्य संबंध श्री कृष्ण भी जानते हैं। फिर पांडव के शिविर में जाते हैं, वो पांडव समझते हुए उनके जो बेटे हैं पांच बेटे उनके सर को काट देते हैं, और अपने पिताजी को जो मार डाला है उनको भी जो दृष्टजन है उसका भी सर काट देते हैं, और बहुत सारे सैनिकों में भी मार डालते हैं। सुबह समय में जब वो उस शिविर से बाहर आया तब कृपाचार्य कहते हैं तुम कितना काम किया, तुम कितना गलत काम किया, तुम पांडव को नहीं मारा है तुम उनका बेटे को मारा है। जब ये चीज पता चल जाते हैं तब अश्वत्थामा रोते हैं बहुत, मैं कितना गलत किया हूं। फिर वो व्यास महर्षि के पास जाते हैं, बहुत रोते हैं उस समय। अगले दिन सुबह का टाइम में फिर द्रौपदी आके देखती है सभी बच्चे का मौत हो गया, बहुत रोती है वो भी। कुंती भी आके देखती है अपना बच्चे का मौत हो गया, फिर वो भी रोती है। जब वो युधिष्ठिर को कहते हैं मेरे बच्चे का मौत हो गया, बहुत रोती है,
तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये कर्म चक्र है। उस समय लक्ष्य घर में वो जो आदिवासी औरत और पांच बेटे आए हैं हमारे घर में, उस समय जो घर जल रहा था उस समय आपने उनको बचाया नहीं था। रहने दो, वो लोग जलेगा तो जब कौरव आएंगे तो उनके लिए एक एविडेंस रहेगा। इस तरह का आपका है, आपकी वजह से वो पांच बच्चे का मौत हो गया और औरत का मौत हो गया। आज ही वही चीज़ वापस आया है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा हमारे लाइफ पे कर्म चक्र होती है, हम जो किया है वही वापस आते हैं। आज आप कहीं भी परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है आप? कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई भी सिचुएशन आपको परेशान कर रहा है, इसका अर्थ है क्या है कि आपने उसी व्यक्ति के साथ कुछ किया है, उस चीज से कुछ अनुभव पाना है आपको। ये जानना है तो क्या करना है, मेडिटेशन में बैठना है। मैंने क्या कर्म करने के द्वारा आज मुझको ये प्रॉब्लम आ रहा है? मेरा बॉस क्यों परेशान कर रहा है? मेरा बहू क्यों परेशान कर रही है? मेरा सासू माँ क्यों परेशान कर रही है? इस तरह सवाल पूछ कर ध्यान में बैठेंगे आपको जवाब आएंगे। नहीं तो रात के समय में जब सोने के टाइम में बैठना चाहिए आपको, सोने के टाइम में बताना है कि मास्टर्स, मैं जानना चाहता हूँ मैं क्या काम करने की वजह से आज मैं इतना परेशान हूँ। इस तरह का आपका जिसको भी पसंद करते हैं, जो इष्ट भगवान है, उनको एक बार आप एक रिक्वेस्ट डाल के सो जाइए। सुबह के टाइम में आपको उठाएंगे 3-4 बजे के टाइम में, फिर बैठे ध्यान में, फिर ध्यान करते करते एक संकल्प कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया हूँ, क्या करने के द्वारा आज मुझको परेशानी हो रही है। इस तरह का करते करते ध्यान करते करते आप सो जाएंगे, तब आपको एक स्वप्न दिखाई देंगे। स्वप्न तो सबको आते हैं, ध्यान में बैठेंगे तो कहते हैं कि सब लोग मुझको विजन्स नहीं है जी, मुझको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्वप्न तो सबको आते हैं। इस तरह आप हो सकते हैं कभी आपको स्वप्न पहले दिन ही नहीं आ सकते हैं, लेकिन लगातार आप करेंगे 10वां दिन में या 15 दिन के अंदर ही आपको एक स्वप्न आएगा जिसमें आपने दूसरों के साथ क्या किया वो पता चल जाएगा। फिर अगले दिन फिर बैठना है, फिर ध्यान में बैठ के जिस व्यक्ति को परेशान किया उनको माफी मांगना है। जब माफी मांगेंगे तब आपका कर्म का प्रक्षालन हो जाएंगे। फिर इधर स्टोरी में आएंगे तो द्रौपदी फिर कहते हैं कि फिर अश्वत्थामा को बांध के लेके आइए। जब अश्वत्थामा को बांध के लेके आते हैं, फिर उनका जो मणि है वो लोग लेते हैं, और ये ब्राह्मण का लड़का है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको मारना सही नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। फिर अश्वत्थामा को बदले भाव में जाते हैं और एक वो सोचेंगे कि और उत्तरा जो अभिमन्यु का जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, अभिमन्यु पैदा होने वाला है, वो बच्चों को भी बाहर आने नहीं देना है, वो बच्चे को गर्भ में ही मारना है समझते हुए फिर उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। ये चीज़ जानते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, ब्रह्मास्त्र माने क्या है, आज का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, दो न्यूक्लियर बम फटेगा तो क्या होगा? तब व्यास महर्षि आएंगे, आके रोकते हैं, बताते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र दोनों फटेगा तो ये पूरा धरती के लिए विनाश हो जाएगा, ये काम नहीं करो, उसको उपसंहार करो, विथड्रा करो कहते हैं। फिर अर्जुन उपसंहार करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को कैसे उपसंहार करना, कैसे विथड्रा करना पता नहीं है उसको। फिर वो ब्रह्मास्त्र जाके फिर उधर जाके फिर उत्तरा का जो गर्भ में जाके टच करते हैं, फिर श्री कृष्ण आके फिर वो बच्चे को फिर जीवन देते हैं। बाद में श्री कृष्ण आके अश्वत्थामा को कहते हैं कि तुमने वो पांच बच्चे को मार डाला है, और जो बच्चा अभी तक धरती में आया नहीं है उसको भी मारने के लिए कोशिश किया, उसके लिए ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। अभी मैं तुमको शाप दे रहा हूँ, जब तक ये कलयुग का अंत रहेगा तब तक तुम जीवित रहेगा, यही उनका परेशानी। इसमें क्या है, बहुत अच्छा बात है ना आप सोचेंगे, क्योंकि ये शरीर के साथ रहना मतलब नॉर्मल बात नहीं है, ये शरीर में तरह तरह बीमारी आते हैं, ये बीमार को सहनते हुए रहना है, शरीर में तरह तरह घायल होंगे, बीमारी आएंगे, लेप्रसी आए हैं, बहुत बीमारी शरीर में आया है, वो सब कुछ सहनते हुए 5000 साल से
अश्वत्थामा आज धरती में है, लेकिन अश्वत्थामा ने बाद में अपना सभी जो गलतियों को रिलीज करके हुए आत्मस्थिति में रहते हुए ये जितना भी शरीर में जितना भी प्रॉब्लम्स आया है उसको नहीं केयर नहीं करते हुए जी रहे हैं। हम भी शरीर में एक परेशान हो गए तो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा परेशान नहीं हुआ है। अश्वत्थामा को शरीर में पूरा शरीर में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, फिर भी उसको सहनते हुए उसको ज़्यादा केयर नहीं करते हुए आत्मस्थिति में रहते हुए अभी भी वो जिंदा है। यह मास्टर्स हम अश्वत्थामा से जो सीखना चाहिए। फिर हम अगले एपिसोड में आएंगे, अगले एपिसोड में और एक मास्टर के साथ हम उनका स्टोरी से क्या सीखना है और जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी कोई पंडित नहीं हूँ और मैं भी हिंदी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी साउथ इंडिया का हूँ, लेकिन हर एक कैरेक्टर में महाभारत में हमको क्या सीखना चाहिए ये बताने की इच्छा था, इसी की वजह से मैं ये सीरीज को शुरू किया हूँ। इसमें कहीं भी आपको जो बचपन से जो सुन के आया है और मैं जो बताया, कहीं भी आपको लगेगा कि कहीं कंट्रोवर्सी है, आप उस चीज़ को साइड में रखिए। हमको क्या लेना है उससे, उस स्टोरी से हमारे जीवन में क्या लेना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसी पर आप नज़र रखेंगे, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। हम स्टोरीज के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सभी स्टोरी तो सब लोग बताते हैं, हम वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम उससे क्या आत्मज्ञान सीखना है, हमारे जीवन को कैसे सुधारना है, दैट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को, पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।